नमस्कार, विवर्ता में आपका स्वागत है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित विमुला की मौत पर हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक हंगामा जारी है। आज हम विवर्ता में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, इस पूरे मुद्दे पर अगर देखें हम तो चिंता कम, राजनीति ज्यादा दिखाई देती है। निश्चित तौर पर जिस घिनौने तरीके से एक छात्र की मौत को भुनाने की कोशिश की गई है बहुत दुखद है, असहनीय है। और जिस तरीके से नेता वहां पहुंचकर बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके लिए दादरी या हैदराबाद या किसी भी तरह की दूसरी अन्य घटनाओं में कोई अंतर नहीं है। उन्हें केवल अपने वोट बैंक से मतलब है। उन्हें केवल ये देखना है कि कैसे वो किसी एक पार्टी विशेष को नीचा दिखाकर और उसके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। आप देखिए कि ये दरअसल दो छात्र संगठनों के बीच की आपस की लड़ाई का मामला था और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। जिस तरीके से छात्रों का निष्कासन हुआ, वो केवल एक ही संगठन के छात्रों का क्यों हो गया? अगर दो छात्र संगठनों की आपस में लड़ाई मारपीट झगड़ा हुआ है तो निश्चित ही कुछ ना कुछ गलती दूसरे छात्र संगठन की होगी और उनके पक्ष को भी। पर ये सारी चीजें विश्वविद्यालय के स्तर पर, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किए गए निर्णयों के स्तर पर होनी चाहिए और अगर वहां कोई गड़बड़ी भी है तो उसको ठीक तरीके से जांचा जाना चाहिए बजाय कि उस पर राजनीति करने के। इसी के पहले इसी विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं कि आत्महत्या नहीं हुई, उसके पहले लगभग 8 से 9 छात्र आत्महत्या कर चुके और एक छात्र का ऐसा मामला है जिसमें बहुत संगीन अपराध का मामला भी। तो मेरा मानना यह है कि उस छात्र ने भी अपना, जो रोहित वेमुला ने मरने के बाद अपना हस्ताक्षरित नोट छोड़ा है, उसमें भी उसने किसी एक संगठन को या किसी जांच को दोषी नहीं माना है। उसमें ऐसा लगता है कि उसमें एक व्यवस्था को लेकर नाराजगी थी। उसकी फेसबुक पोस्ट आप देखें, पुराना इतिहास उस छात्र का पूरा देखें तो आपको समझ में आता है कि जिस तरह की छात्र राजनीति वो करना चाह रहा था वो शायद नहीं कर पाया। और जो झगड़ा हुआ, उसका निष्कासन हुआ इसका और इसके साथियों का, उसको लेकर वो हड़ताल कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं उसके मन में हताशा घर कर गई थी। बहुत दुखद है कि हमने एक नौजवान को, एक ऐसे नौजवान को जो आगे जाकर राजनीति में, समाज निर्माण में, किसी और तरीके से राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकता था, वो दुनिया में नहीं रहा। लेकिन उससे बुरा यह है कि जिस तरह की राजनीति उसको लेकर की गई। अच्छा नहीं होता कि रोहित की मौत के बाद छात्रों की समस्याओं पर ज्यादा चर्चा होती? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसमें एक ठीक पक्ष तो ये है कि हमने उस घटना को गहराई से जाकर समझने की कोशिश की। छात्र भूख हड़ताल पर आज नहीं बैठे हैं, छात्र लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्रमिक भूख हड़ताल वो कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि जो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई वो एक पक्षी है, उनको सुना जाए। तो इन नेताओं को, उनको सुनने के लिए कोई समय नहीं होता। लेकिन जब वो मीडिया में खूब मुद्दा उछलता है, उस मुद्दे पर लगातार नेशनल टेलीविजन चैनल पर बहस होती है, तो नेताओं को लगता है कि इस मुद्दे को काफी तेजी से उठाया जा रहा है, तो जाकर उस मौके पर पहुंच जाते हैं। मुझे ये कहना है कि जैसे अखलाक भी मरे तो अखलाक की मौत के बाद अखलाक किसी गुमनामी के अंधेरे में ये मौत खत्म हो जाती। उनके जो सुपुत्र हैं वो वायुसेना में थे तो उन्हें कुछ वायुसेना की मदद मिल गई, उससे वो फिर से नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन ये घटना एक छोटी घटना बनकर रह जाती। इस तरह की घटनाएं देश में लगातार होती हैं, लेकिन उन पर ध्यान हमारा तब जाता है जब मीडिया में इस तरीके से उसको दिखाया जाता है। अफसोस की बात यह है कि एक केंद्रीय मंत्री उसमें शामिल है, एक सांसद की चिट्ठी उसमें शामिल है, एक ऐसा छात्र संगठन जिसको देश पर शासन करने वाली पार्टी का समर्थन हासिल है वो शामिल है, लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा छात्र संगठन भी शामिल है जो लेफ्टिस्ट विचारधारा का, वामपंथी विचारधारा का माना जाता है। वामपंथ और ये दक्षिण पंथ की लड़ाई जो है कॉलेज और विश्वविद्यालय के कैंपसों में कोई नई नहीं है, ये पुरानी है। ये भी कहा जाता है कि जिस तरह दिल्ली में जेएनयू और वहां का माहौल है, उसी तरह दक्षिण का जेएनयू इस हैदराबाद विश्वविद्यालय को कहा जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीतिक हवा वहां बहती होगी। और उस राजनीतिक हवा के बीच अगर दो छात्र संगठन वहां लगातार टकराव की मुद्रा में आते हैं तो देखा ही जाना चाहिए था कि उनकी समस्याएं क्या है, वो क्यों टकराव कर रहे हैं, वो किन मुद्दों पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्या वो जिन मुद्दों पर लड़ रहे हैं वो छात्र हित के हैं, विश्वविद्यालय की भलाई के हैं, सभी छात्रों को फायदा पहुंचाने वाले हैं, या अहम का टकराव है। बजाय इसके ये पूरा एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया, मुद्दे गौण हो गए। मुझे लगता है कि आज से कुछ समय बाद छात्रों की मांगे वहीं की वहीं रह जाएंगी, लेकिन रोहित वेमुला की मौत पर राजनीति करने वाले राजनीतिक रोटियां सेक कर आगे बढ़ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को हैदराबाद जाना चाहिए था? देखिए, जाने में बुराई नहीं है, लेकिन फिर वो इसमें चयनित तरीके से जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो गलत है। अगर उनसे लोग पूछ रहे हैं कि उनको बंगाल जाने में क्या दिक्कत थी, तो मुझे लगता है कि वो सही पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो केवल चयनित स्थानों और घटनाओं को लेकर अपना पक्ष और अपना मत दे रहे हैं। अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो सारी घटनाओं को लेकर उनको अपनी राय रखनी चाहिए, फिर चाहे मालदा में जाना हो चाहे हैदराबाद में जाना हो।
इस पूरे मामले में केंद्र के दो मंत्री भी निशाने पर हैं। हाँ, और वो निशाने पर हैं, उनको होना भी चाहिए। इसमें देखा यह जाना चाहिए कि चिट्ठी किस दबाव में लिखी गई, क्यों लिखी गई, बंडारू दत्तात्रेय की क्या भूमिका है, स्मृति ईरानी की क्या भूमिका है, क्या उन्होंने विश्वविद्यालय पर अनुचित दबाव बनाकर वो जांच रिपोर्ट लिखवाई गई, ये निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। लेकिन केवल इसको भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से गलती हो गई इसलिए कांग्रेस को इसके पक्ष में वोट मिल जाए, अरविंद केजरीवाल को इसके पक्ष में वोट मिल जाए, ये गलत है। हमारी सरकारों को इससे क्या सबक लेना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस हिंदुस्तान में छात्र राजनीति का जो हश्र पिछले 15-20 सालों में हुआ है वो बहुत बुरी स्थिति है। आज से 15-20 साल पहले छात्र राजनीति जो है वो इस देश में नए नेताओं को तैयार करने की, नई पौध को तैयार करने की नर्सरी हुआ करती थी, और वहां का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कई सारे जो नेता हैं, आप अरुण जेटली को खुद को देख लीजिए, जो इस वक्त देश के कद्दावर नेता है, वित्त मंत्री, वो छात्र राजनीति से बाहर आए। तो छात्र राजनीति ने कई अच्छे नेताओं को जन्म दिया है, लेकिन पिछले 15-20 सालों में जिस तरीके से राजनीति का पट्टावाद कॉलेज के कैंपसों में घुस गया है, उससे हुआ यह है कि छात्रों की स्वतंत्र सोच जो है वो विकसित होने की बजाय वो बहुत कम समय से ही अपने आप को किसी राजनीतिक विचारधारा से जोड़ लेते हैं, फिर उनकी सोच सारी उसी दिशा में लग जाती है। मेरा मानना यह है कि छात्र राजनीति के स्तर पर स्वतंत्र विचारधारा के साथ छात्र हित के, समाज हित के मुद्दों को उठाते हुए छात्रों को आगे बढ़ना चाहिए। इस एक समय में छात्र राजनीति इतनी ताकतवर हुआ करती थी कि राजनीतिक पार्टियां उनसे डरती थी, खौफ खाती थी, और छात्र राजनीति के आधार पर शहर की और समाज की राजनीति चलती थी। अब शहर और समाज की राजनीति छात्र राजनीति पर इतनी हावी हो गई कि छात्र नेता गौण हो गए। बहुत सारे राज्यों में तो छात्र संघ के चुनाव ही नहीं होते, छात्र संघ के चुनाव मेरिट के आधार पर होते हैं। मेरिट पे जो आने वाला छात्र है उसकी प्राथमिकता पढ़ाई होती है, ना कि छात्र हित के मुद्दों को लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ने की। मुझे लगता है कि इस रोहित वेमुला की घटना से हमें इस पूरे देश की छात्र राजनीति का अवलोकन ठीक से करना चाहिए, खासतौर पर हैदराबाद विश्वविद्यालय में कहां क्या गड़बड़ है, कौन से पक्ष ने क्या गलती की वो देखना चाहिए। जिस तरह के तथ्य और तर्क सामने आए उनमें विरोधाभास सामने आया है। इतनी बड़ी मंत्री जो सीधे सीधे इस मामले से जुड़ी हुई है, वो पत्रकार वार्ता लेकर कहती है कि जो जांच समिति बनी थी उसमें दलित प्राध्यापक भी शामिल थे, तुरंत विरोध आता है, प्राध्यापक कहते हैं कि दलित प्राध्यापक जांच समिति में नहीं थे। गड़बड़ी कहां हुई पता लगाया जाना चाहिए, क्योंकि एक छात्र की मौत के लिए लोग अगर जिम्मेदार हैं तो उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, उस छात्र की खुदकुशी के लिए उनको जिम्मेदार मानते हुए उन पर मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने इसको लेकर राजनीति की है, मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की है, वो भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं मूल मुद्दे को दबाने के लिए। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे रोहित वेमुला की आत्महत्या पर। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।